आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि शाबर मंत्र द्वारा आप किस किस को वश में नहीं कर सकते। देखिए, हर चीज़ के एक लिमिटेशंस होती है, हर चीज़ के नुकसान होते हैं, हर एक चीज़ का फ़ायदा होता है। तो अगर आपने शाबर मंत्र सिद्ध कर लिया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी को आप अपने वश में कर लेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस किस को आप वश में नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी इंसान को वश में कर सकते हैं, मगर जो इंसान पहले से ही किसी के वश में है उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक जो मेडिटेशन है या एक मेडिकेशन जो है ऑलरेडी उस पर चल रहा है। तो उस पर आपका जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है, जो आप सेकंड पर्सन हो गए, तो वहाँ पर आपका जो वशीकरण वाले चीज़ें हैं वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। या फिर दूसरा ये है, जो इंसान कोई भी मंत्र सिद्धि प्राप्त कर चुका है उस पर भी इसका कोई असर नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहले से अगर सिद्ध पुरुष है, जैसे आप तांत्रिक के पास जा रहे हो और उसी पे कोई तंत्र चला रहे हो, तो उस पर इसका असर नहीं होगा। तो जो शाबर मंत्र पहले से सिद्ध किया हुआ है उसको आप चाहोगे कि अपने शाबर मंत्र से उसको वश में कर लें, तो फिर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।